मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का आवाज़ मेरी थोड़ी धीमे भी आ रही होगी शायद, बट एक मिनट था लाइट। तो हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं मड़ियाँव पुल के नीचे, जहाँ पे सब लोग मिलने वाले थे सुबह। तो मेरे पीछे अभी लाइट जल रही है, ये क्लासिक सौरभ की, और हर्षित भाई हम लोग को फ्लैग ऑफ करने आए हैं, सुबह मिलने आए हैं। तो हर्षित भाई, इनका चैनल है इंडियन ऑन एनफील्ड, मैं आई बटन में डाल दूँगा। बाकी राधे भाई हमारे हिमालयन से, इन्होंने भी काफ़ी दूर दूर तक राइड करी है। सौरभ भी फ्लैग ऑफ करने आया जैसा बता रहा है। तो अभी हम लोग का प्लान था यार सुबह 4 बजे निकलने का, बट निकल नहीं पाए ड्यू टू सम रीजंस। तो अभी टाइम 4:50 हो रहा है, 4:50 अप्रॉक्स 5 बज रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे, 100 किलोमीटर्स तक कोई स्टॉप नहीं लेंगे, नॉन स्टॉप 100 करेंगे। उसके बाद मैं जहाँ स्टॉप लेता हूँ आपको वीडियो दिखाता हूँ। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, क्यों ना कुछ में रुको, आगे होगा क्या। आपने देखा हम लोग लखनऊ से निकले और अभी अप्रॉक्स 100 to 110 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, जो कि जिसमें बहुत मज़ा आया, एडवेंचरस थे। लेकिन कहीं कहीं है ना, सीतापुर के बाद जैसे ही सीतापुर स्टार्ट होता है, आपके रोड के पैच बहुत पैची रोड हो जाती, बहुत ख़राब रोड हो जाती, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई। बाकी हम लोग की, मेरी छाया, सौरभ की रज्जो और एक हिमालयन, राधे भाई की हिमालयन खड़ी हुई है, ये सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ तक की राइड में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन अब सब गियर शेयर उतार के वहाँ पे रखे हैं। वो सौरभ वो सो रहा है, तो कह रहा है बोरा सो नहीं रहा है, थोड़ा सा लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। अभी तक मैं रेस्ट नहीं कर रहा, सोचा थोड़ा ब्लॉक कर लूँ फिर आराम से रेस्ट करते हैं। सबकी गाड़ी बढ़िया रिस्पॉन्स दे रही है, बट धूप हो गई है, अब गर्मी होने वाली है। तो जल्दी से यहाँ से खा पी के कुछ पराठा वगैरह खाते हैं, निकलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी जितना कवर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि धूप में गाड़ी चलाना, वो भी राइडिंग गियर्स के साथ, राइडर्स ही जानते हैं। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं फिर बात करते हैं। तो आ चुके हैं हमारे आलू के पराठे, हमारे आलू के पराठे नहीं, मतलब आलू के पराठे, लेकिन हमारे लिए जो हम लोग को खाने हैं। और ये देख लीजिए आप ही लोग, मुँह में अगर पानी आए तो कमेंट सेक्शन में आराम से उस पानी को कमेंट बना के करिएगा, लाइक करिएगा। राइड में मज़ा आया, अब खाते हैं यार, बात थोड़ी देर में करते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि सुबह से बिना कुछ खाए निकले हैं। तो बिन पूछे घर से भागे, थोड़े सोए थोड़े जागे, बाहर है दुनिया जालिम, रब ही जाने जो होगा आगे। सच बोलो तो मुंह के खाते, झूठी दुनिया झूठे सारे, जानो कुछ में तो कुछ बढ़िया बढ़िया और बहुत ही बढ़िया 200 किलोमीटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ रास्ते में पैचेज आए, कहीं कहीं रास्ता ख़राब था, बट ये सब जो रोड्स हैं इन सब पर चलाने मज़ा आ रहा, आराम से सैडल करते हुए बाकी सब करते हुए आए। तो अभी तक तो मज़ा आया, 200 किलोमीटर ख़त्म हो गए, थोड़ा थक गए हैं और गर्मी तो बहुत हो ही रही है। और ये सब राइडिंग गियर्स, स्टॉप लिया खाने पीने के लिए, बाकी पानी वगैरह, ज़्यादा देर हम लोग रुक नहीं रहे हैं। बाकी ये भैया की दुकान है, यहाँ हम लोगों ने स्टॉप लिया है। तो अगर आप नैनीताल करो तो यहाँ आना और भैया को बताना कि वीडियो में देखा था। तो सब्सक्राइब भी करा लिया है इनसे, तो हम लोग ऐसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़वा रहे हैं। बाकी आगे का सीन ये है कि यार थोड़ा गर्मी की वजह से और ट्रक्स वगैरह बहुत चल रही हैं, वो
रोड्स कहीं कहीं ख़राब हैं, कहीं कहीं बहुत ही अच्छी हैं, तो उस सब की चीज़ों की वजह से थोड़ा स्पीड अप डाउन हो रही है, वरना 60-70 मेंटेन करके हम लोग बढ़िया चल रहे हैं। गाड़ियाँ सबकी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं और बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, लेकिन तो कंटिन्यू करते हैं राइड, फिर यहाँ से निकल के फिर आगे कहीं रुकते हैं तो बात करते हैं। हालत कड़की, याद आने लगी फिर घर की, बोतल का ढक्कन खोला, कसर मिटा दी जिंदगी भर की, और उनके हंसों बन गए पत्थर, जीना नहीं है अब मर मर कर, आगे होगा क्या। It's all about life, it's all about fellas and yari, it's all about मेरे दोस्त की गाड़ी। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 4th of April और इस टाइम सुबह के अप्रॉक्स वही 9:30 बज रहे हैं, तो ये व्यू है हम लोग के होटल से, ये पूरी लेक है नैनीताल लेक। तो कल का यार जो व्लॉग था वो आज यहाँ पे इसलिए कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ क्योंकि कल जब हम लोग आए तो थोड़ा लेट भी हो गया, बाकी बहुत थक गए थे और होटल नहीं मिल रहा था, तो होटल ढूंढने में बाकी सब सामान रखने में फ्रेश होने में हम लोग को 10 बज गया, और 10 बजे क्या है मॉल रोड पे सब रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाते हैं। तो नैनीताल एंटर करने के बाद नहीं कर पाया, बाकी सब रिकॉर्ड भी नहीं किया, और हाँ इसलिए भी थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि जब हम लोग नैनीताल एंटर कर रहे थे तो गूगल मैप्स पे देखा था, तो उसमें कार मोड और बाइक मोड दो मोड होते हैं, तो कार मोड पे हम लोग हमेशा चलते हैं, चलना ही चाहिए, बट बाइक मोड पे अगर आप चलोगे तो यही चीज़ हम लोगों ने कानपुर में करी थी, और बाइक मोड पे ये सीन रहता है कि वो आपको शॉर्ट टू शॉर्टकट बताता है, तो अगर बाइक मोड से आप चल रहे हो तो उसने एक बताया कि नैनीताल के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता है और दूसरा रास्ता उसका बड़ा था, तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ भाई 10 किलोमीटर वाला रास्ता लेते हैं नैनीताल के लिए, तो लिया तो उसकी नॉर्मल पहले अप्रॉक्स 500 मीटर की जो उसकी हाइट थी चढ़ना था वो तो ठीक था, बट उसके आगे जब गए तो उसकी अप्रॉक्स ऐसे यहाँ पे तो आप ऐसे ऐसे चढ़ोगे लेकिन वहाँ पे ऐसे, तो हम तीनों में से किसी की भी गाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी, मतलब चढ़ गई थी एक लिमिट तक पहुँच गई थी, वो रिकॉर्ड भी किया लेकिन वो मैं ब्लॉग में नहीं डालूंगा क्योंकि गाड़ियों में थोड़े इश्यू आए थे वहाँ पे सबकी, क्योंकि लगेज भी था यार सबकी गाड़ी पर, लगेज था ऑब्वियसली, इतनी स्टीप चढ़ाई ऐसे नहीं चढ़ती इतने ज़्यादा लगेज के साथ, तो हम लोगों ने फिर वो प्रेफर किया उसमें कि उसको छोड़ दें, तो उसमें भी बहुत देर लग गई यार, तो आते 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 टाइम हो गया, सब हुआ, सब लोग थके भी हुए थे, पूरे दिन की राइड की हुई थी, तो बस इसलिए हम लोग आए, रात में खाना वगैरह खाया और आके यार थोड़ा मतलब सबके मैसेजेस वो सब पड़े थे फैमिली वालों के, तो उन सबको रिप्लाई वगैरह किया, अब जाके फाइनली थोड़ा हाथ पैरों में दर्द हो रहा था सही हुआ है, फ्रेश लग रहा है, व्यू भी अच्छा है इस होटल से, होटल कौन सा भाई अपना, होटल हिल व्यू है, अच्छा होटल है, बजट होटल है, अप्रॉक्स आप लोग को 1000 रुपीज़ में अच्छा रूम मिल जाएगा, रूम मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, थोड़ा फैला हुआ है
क्योंकि यार ऑब्वियसली ऐसे ही सब डाल दिया तरह के। मैं लाइट जला के रूम दिखा देता हूँ आप लोगों को। अरे यार चलिए ऐसे ही देख लीजिए, दिख जाएगा। ये पूरा रूम है अपना, पूरा वुडन फिनिश पर रूम है। खैर सामान अभी सबका फैला हुआ है। बट जो रूम है, रूम मींस इस रेट में यहाँ पे ये रूम मिलना ऐसी व्यू के साथ इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि इसके पहले हम लोग जब आए थे सारे फ्रेंड्स 2 साल पहले, तो हम लोग होटल नैनी विजन में रुके थे। लेकिन उसके बाद इस होटल में बेस्ट है। लेकिन क्योंकि पार्किंग का इशू हम लोग को आ रहा था नैनीताल में, पार्किंग का अगर आप आते हैं और राइडर हैं तो पार्किंग का बहुत इशू आता है। बाकी खाना वगैरह खाया तो आज हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि मुक्तेश्वर जाएं। तो मुक्तेश्वर कई लोगों ने सजेस्ट भी किया हम लोग को कि पहले आप मुक्तेश्वर घूम लो, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे ज़्यादातर नैनीताल दर्शन में सब घूम ही लिया था। तो अभी क्या करते हैं कि देखते हैं क्या करना है, मुक्तेश्वर तक की अगर राइड होती है तो राइड करते हैं, फिर या तो देखेंगे पहले कहाँ कहाँ चल रहे हैं। मुक्तेश्वर तो जाएंगे ही जाएंगे, वहाँ थोड़ा शूट वगैरह करेंगे। बाकी अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ा मैं फ्रेश वगैरह हो लूँ। ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, अभी हम लोग निकल रहे हैं मुक्तेश्वर की राइड के लिए। बाकी पूरा गियर अप हो चुके हैं और सौरभ लोग भी आ रहे हैं, सौरभ और राधे। बाकी चलिए मैं आप लोग को छह से मिलवाता हूँ, कल से शायद मिले नहीं हैं आप लोग। और अभी बस मैंने छह को थोड़ा, कल एक दो बोल्ट वगैरह ढीले हो गए थे तो वो सब टाइट वगैरह किया। चलते ये होटल में ये अच्छा है कि पार्किंग यहाँ पे हम लोग को इंडोर मिल जाती है, हम लोग की गाड़ियाँ यानी मेरी छाया, सौरभ की रज्जू और हिमालयन ये खड़ी है। ये रही हिमालयन, सौरभ की रज्जू और आप सबकी प्यारी और सबसे ज़्यादा मेरी ही छाया। इसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया यार, ऐसे ऐसे स्टीप चढ़ाई थी। और जैसे मैंने आपको बताया गूगल मैप्स की वजह से, बाइक मोड की वजह से हम लोग गलत चले गए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी, तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया, यानी गाड़ी को आप जितने प्यार से रखोगे, अच्छे से रखोगे, मेंटेन रखोगे, उतने अच्छे से आपका साथ देगी गाड़ी। और रखना भी चाहिए यार, और सबसे ज़रूरी बात, गाड़ी से कभी आप ज़बरदस्ती मत करो, नहीं है क्योंकि यार वहाँ के बाद बुरा लगता है यार कि क्यों ज़बरदस्ती करी गाड़ी से, फिर दिक्कत दे। प्यार से चलाओ, आराम से राइड करो। राइडिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हम लोग के लिए, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है राइड करके, मज़ा आता है। और लेकिन प्रॉपरली गियर्ड अप होकर राइड करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अगर कुछ होता भी है, एक्सीडेंट छोटा वगैरह, या गिरते भी हैं आप लोग क्योंकि ये हिली एरिया है, तो चोट नहीं है, आप सेफ रहो। क्योंकि आपका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, घर से बहुत दूर हो आप लोग तो सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। अभी सौरभ लोग यार आए नहीं, देखता हूँ चल के जल्दी से। व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा है इस टाइम, मौसम भी यार नैनीताल का कहते नहीं है औसम, मौसम 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 वाला मौसम हो रखा है। सौरभ आ गया तो बाकी राधे भाई भी आ रहे हैं, आता है राधे भी आता है। और व्यू एक बार यहाँ से देखो आप लोग, ये ऐसा कुछ व्यू है। होटल भी बजट में काफ़ी बढ़िया है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, मुक्तेश्वर चलते हैं, रास्ते पर मज़े करेंगे यार, क्योंकि रोड्स आर अल्टीमेट अल्टीमेट रोड्स। तो चलो